दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अक्सर गैंग वॉर की खबरें सामने आती हैं। लेकिन इनमें एक दो या फिर चार गैंगस्टर मारे जाते हैं। लेकिन अफ्रीकी देश इक्वाडोर की सबसे बड़ी जेल दो गैंग्स के बीच छिड़ी गैंग वॉर में 68 कैदी मारे गए। जी हाँ, लंबे समय तक चली गोलीबारी में करीब 68 कैदी मारे गए और 25 घायल हो गए। जेल अधिकारियों के मुताबिक घटना के काफी देर बाद तक हालात बेकाबू रहे। मामला इक्वाडोर के तटीय शहर गुआयाकिल जेल का है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसमें कुछ शव झुलसे हुए और जेल के अंदर जमीन पर पड़े हुए दिखाई दे रहे। विरोधी गैंग्स के बीच शुरुआती लड़ाई करीब 8 घंटे तक चली। कैदियों ने पवेलियन 2 में जाने के लिए दीवार को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास किया और आगजनी की। गैंग वॉर की ताजा घटना से 2 महीने पहले सितंबर में भी लिटरल जेल में गैंग्स के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 119 लोग मारे गए थे। फिलहाल इस जेल में 8,000 से अधिक कैदी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।